स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएट्री का फर्स्ट लेसन बताऊंगा। किसी भी पोएम में कुछ स्टैंजा होती हैं जिनका हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताना होता है। तो रेफरेंस तो एक जैसा ही होगा, किसी एक लेसन का जो रेफरेंस एक जैसा ही होगा। जैसे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का रेफरेंस लिखना है तो आप लिखेंगे जो भी स्टैंजा आपके सामने रहेगी, तो ये लिखेंगे कि दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक पोएट्री एंड इट इज रिटन बाय सर हेनरी वाटन। इतना रेफरेंस में लिखना काफी है। और अब स्टैंजा पे आते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल। अब इस स्टैंजा में कॉन्टेस्ट क्या है, तो कॉन्टेस्ट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इन दिस स्टैंजा पोएट सेट अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ। बस इतना ही लिखना है, एक हैप्पी लाइफ में जो गुण होते हैं व्यापक स्तर पर, उसको इस स्टैंजा में बताया गया है। अब इसकी व्याख्या पे आते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह कितना प्रसन्न है अपने जन्म से या अपनी शिक्षा से। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके जो ईमानदार विचार हैं, स्वच्छ विचार हैं, वही उसके कवच हैं। आर्मर मतलब कवच, तो कवच से मतलब है कि उसके जो ईमानदार विचार हैं वही उसके सुरक्षा कवच है। मतलब उसकी ईमानदारी ही उसकी सुरक्षा के लिए काफ़ी है। ईमानदार व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता अगर वह अंदर से ईमानदार है तो। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, एटमोस्ट मतलब सर्वोपरि, स्किल में चतुराई, और सिंपल ट्रूथ मतलब सरल सत्य। तो दुनिया में बहुत से लोगों के पास बहुत सी स्किल होती है। कोई वार्तालाप का गुण जानता है, कोई तकनीकी गुण जानता है, कोई अपराध करने का गुण जानता है, लेकिन इन सभी गुणों में जो सर्वोपरि गुण है वह है साधारण सत्य, बिना किसी छल प्रपंच के सिर्फ सत्य बोलना। तो ऐसे व्यक्ति का जो सर्वोपरि गुण होता है वह है उसका साधारण सत्य। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। पोएट से दैट ए हैप्पी पर्सन Who born and learned, who born or learned, never do anything according to will of other. In this world, we find many person or many effective person want to dominate others, and many person are dominated by these effective person. But a happy person never can be dominated by any effective person of society. Means he do only those things whose work he want to do. Whose armor is his honest thought. And in this way, if he do according to himself, not according to others, he is very secure, and his security is given by his honest thought. And in world, many person has many type of skill, like communication skill, technical skill, and other type of skill, but all of these truth
or simple truth is at most, and which is contained by a happy person. अब हम दूसरे स्टेंजा पे आते हैं. Whose passion not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, or princely love or vulgar breath. अब इसका जो रेफरेंस लिखना होगा ठीक वही लिखेंगे जो पहली स्टेंजा के लिए लिखा गया. इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि पहले वाले में एक जनरल प्रॉपर्टीज बताया गया था पी पर्सन का. इसमें इस स्टेंजा में एक हैप्पी पर्सन की अंदरूनी गुणों को बताया गया है. तो इस तरह से लिखेंगे, इन दिस स्टेंजा पोएट एक्सप्लेन्ड अबाउट द इनर क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी पर्सन. अब इसकी व्याख्या पे आते हैं. हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. उसकी जो तीव्र इच्छाएं, पैशन मीन्स तीव्र इच्छाएं, उसकी मालिक नहीं होती. तीव्र इच्छाओं से मतलब है जो इच्छाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, अब जो इंद्रिय सुख हम लेना चाहते हैं, चाहे जीभ से, चाहे आँख से, चाहे नाक से, चाहे कान से, और उनको पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. मतलब ये इच्छाएं ही हम पे हावी हो जाती हैं. पर एक हैप्पी पर्सन में ऐसा नहीं होता. हैप्पी पर्सन एक खुश व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता. और उसकी जो आत्मा है वो डेथ के लिए, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है. इसका मतलब है कि उसे मृत्यु का भी डर नहीं होता. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है. ऑफ प्रिंसिपली लव और वल्गर डेथ, समाज में जो प्रभावशाली लोग हैं, राजसी लोग हैं, उनका प्रेम पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए भी नहीं सोचता, और ना ही समाज के जो तुच्छ लोग हैं, वल्गर डेथ मतलब सामान्य लोग की जो अफवाहें होती हैं, तुच्छ लोगों के द्वारा जो गलत बातें कही जाती हैं, उससे भी वह प्रभावित नहीं होता. अब इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख लीजिए. ए हैप्पी पर्सन इज ए मास्टर ऑफ हिज पैशन, ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज पैशन सच एज ऑर्डिनरी पर्सन आर द स्लेव ऑफ हिज सेंट सेंस डिमांड आर सेंस नीड, बट ए हैप्पी पर्सन इज मास्टर ऑफ हिज सेंस डिमांड एंड ही इज फियरलेस फ्रॉम डेथ बिकॉज ही नो इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड ही नेवर फियर फ्रॉम डेथ एंड ही इज फ्री फ्रॉम the bind of world and do not care about it and he never thinks about how to get love or support from royal or effective person of society and never be affected by rumors of ordinary people. अब तीसरे स्टेंजा पे आते हैं. Who hath his life from rumor freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter freed nor ruin make oppress greed. रिफरेंस पहले की तरह रहेगा और कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे. इन दिस स्टैंजा पोएट सेट अबाउट द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ ए हैप्पी लाइफ. अब व्याख्या पे आते हैं. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फ्री, एक हैप्पी पर्सन का जो जीवन होता है, एक प्रसन्न व्यक्ति का जो जीवन होता है, वह अफवाहों से मुक्त होता है. ना तो वह किसी के प्रति किसी का अफवाह उड़ाता है,
और यदि उसका कोई अफवाह उड़ाए तो उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी जो अंतरात्मा है, कंसाइंस मीन अंतरात्मा और रिट्रीट मतलब विश्राम का स्थल, मतलब वह अपनी अंतरात्मा में स्थित होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फील, और उसकी जो मन स्थिति होती है वह कभी भी चापलूसों की प्यारी प्यारी बातों से प्रभावित नहीं होती, और ना ही उसकी मन स्थिति अत्याचारी लोगों के व्यवहार से बिगड़ती है। ऑप्रेसर मतलब होता है अत्याचारी, तो समाज में जो चापलूस जैसे लोग होते हैं उनकी चापलूसी भरी बातों से भी उसकी मन स्थिति पर असर नहीं पड़ता, और साथ ही साथ जो समाज के बुरे लोग होते हैं उनके व्यवहार से भी उसकी मन स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखते हैं। ए हैप्पी पर्सन हैज नो टाइम और हैज नो एनी प्लेस फॉर र्यूमर विच र्यूमर्स आर क्रिएटेड बाय अदर्स एंड ए हैप्पी पर्सन नेवर क्रिएट एनी र्यूमर फॉर एनीवन एंड ही इज स्टेबल इन हिज सोल, ही नेवर बी अफेक्टेड बाय एनी फ्लैटर पर्सन हु सेज लवली वर्ड एंड नेवर बी अफेक्टेड बाय विलेन आर बैड पर्सन हु ट्राई टू डिस्टर्ब हिम बट ही नेवर बी डिस्टर्ब। अब इसके हम चौथी स्टंजा पे आते हैं। हु इन विज नन होम चांस दोथ रेज नर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड। एक प्रसन्न व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति ऐसे लोगों से घृणा नहीं करता जो बाय चांस किस्मत से आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, या उन लोगों से भी नफरत नहीं करता जो अपनी योग्यता से आगे बढ़े होते हैं। हाउ डिपेस्ट ऑन आर गिवन विथ फ्रेज, और समाज में कुछ लोग होते हैं जो तारीफ तो करते हैं पर तारीफ कुछ ऐसे शब्दों के साथ की जाती है जो काफ़ी गहरा घाव दे देती है, तो ऐसे शब्दों से भी एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, एक प्रसन्न व्यक्ति कानून के अनुसार नहीं चलता, जिस देश जिस समाज में वह है वहाँ का जो कानून है उसको मानने की व्यवस्था उसके सामने नहीं होती कि नहीं यह कानून कहता है कि ये नहीं करना है तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, या कानून यह कहता है कि यह करना है तो इसलिए हम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हैप्पी पर्सन में नहीं होता। एक हैप्पी पर्सन या एक प्रसन्न व्यक्ति अपन उन्हीं नियमों का पालन करता है जो अच्छाइयों के नियम कहे जाते हैं। अच्छाइयों के जो भी नियम है वो गलत तो होते नहीं, और वो अच्छाई के नियम को पालन करता है, न कि किसी देश या किसी कालखंड के नियम के अनुसार। अब इसकी व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करते हैं। ए हैप्पी पर्सन नेवर बी अफेक्टेड बाय एनी पर्सन हु गेट सक्सेस बाय चांस और हु गेट सक्सेस बाय मेरिट्स एंड सम पर्सन हु ट्राइज टू इफेक्ट बाय हिज प्रेजिंग वर्ड विच हैज एम्बिग्यूटी बट दीज वर्ड नेवर इफेक्ट ऑन ए हैप्पी पर्सन एंड ए हैप्पी पर्सन नेवर फॉलो द रूल ऑफ एनी कंट्री या स्टेट बट ही फॉलो द रूल ऑफ गुडनेस। अब आते हैं हम इसके पांचवें स्टंजा पे। हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेन हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। रेफरेंस पहले की तरह लिखना है और कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा कि इन दिस स्टेंजा पोएट सेड अबाउट द डेली रूटीन एंड डेली वर्किंग ऑफ ए हैप्पी पर्सन हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेन। एक प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम या दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करता है, और यह प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती
कि वो ईश्वर से कुछ उपहार चाहता है, बल्कि वो ईश्वर की कृपा पाने के लिए दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करता है। सामान्य लोगों की तरह नहीं, हे ईश्वर मुझे फला डिग्री दे दीजिए, हे ईश्वर मुझे फला नौकरी दे दीजिए, हे ईश्वर मुझे फली छोकरी दे दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए, बाल बच्चे दे दीजिए, गाड़ी बंगला दे दीजिए, तो ऐसा कुछ वह नहीं मांगता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, उसका जो दिन बीतता है उसमें उसको कोई हानि नहीं होती और हानि रहित दिन को वह इंजॉय करता है, पूरे आनंद के साथ बिताता है। विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, और दिन में वह अच्छी पुस्तकों को पढ़ता है या अच्छे मित्रों के साथ रहता है। ये सब गुण होते हैं प्रसन्न व्यक्ति के। अब इंग्लिश में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए हैप्पी पर्सन वर्शिप टू गॉड डे एंड नाइट, एंड दिस वर्शिप इज नॉट फॉर टू गेट एनी गिफ्ट फॉर एनी बून, ही वांट ओनली ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज डे passes by enjoying, not to disturb others, not to be disturbed by others, and he passes his day with good books and with good friends. अब इसके आखिरी स्टंजा पे आते हैं। This man is free from servile band of hope to rise or fear to fall, lord of himself, thought not of land, and having nothing, he hath all. रेफरेंस में वही चीज़ें लिखी जाएंगी। दिस स्टैंड आई टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक पोएट्री, एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा कि इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द हाइएस्ट क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी पर्सन। व्याख्या करते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैन, प्रसन्न व्यक्ति दासता के बंधनों से मुक्त होता है, क्योंकि संसार में बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े बड़े से राजसी पदों पर आसित लोग भी दासता के बंधन से कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता का एहसास नहीं होता, पर एक प्रसन्न व्यक्ति इन दासता के बंधनों से मुक्त होता है। आई होप टू राइज आर फियर टू फॉल, और ऐसे प्रसन्न व्यक्ति ना कभी आगे बढ़ने की कामना करते हैं कि अनापेक्षित रूप से वह आगे बढ़ जाएं, कोई चमत्कार हो जाए जो उनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए, या फिर वो नीचे गिरने से भी नहीं डरते, क्योंकि मानते हैं कि जीवन में आगे जाना या पीछे जाना होता रहता है, ना तो उनको आगे जाने की कोई विशेष खुशी होती है, ना नीचे जाने का उन्हें कोई गम होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, थॉट नॉट ऑफ लैंड, वह स्वयं के मालिक होते हैं। स्वयं के मालिक होना बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं का मालिक होने से मतलब ऐसा नहीं है कि निरंकुश होते हैं, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण रखने को कहा जाता है स्वयं का मालिक होना, निरंकुश होने को स्वयं का मालिक होना नहीं कहते हैं। और हैप्पी व्यक्ति निरंकुश नहीं होता, बल्कि आत्म केंद्रित होता है, आत्म संयमित होता है, और अपने आप पे पूरा नियंत्रण रखता है, और वह कभी जमीन जायदाद धन संपत्ति की परवाह नहीं करता, उसके पास ये सब चीज़ें होती भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और इन सब चीज़ों के न होने के बावजूद भी वह सब कुछ रखता है, क्योंकि जब उसे पाने की चाह ही नहीं है, इसका मतलब है उसके पास सब कुछ है। अब इसकी व्याख्या करते हैं इंग्लिश में। ए हैप्पी पर्सन इज आउट फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ही इज नॉट कनेक्टेड बाई एनी बैंड इन सोसाइटी, एंड ही नेवर रिक्वायर्ड एनी अचीवमेंट, एंड ही नेवर फियर हिज अचीवमेंट विल बी रिउंड, एंड ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, मीन्स ही कंट्रोल्स ऑन हिमसेल्फ, ही इज नॉट स्पॉन्टेनियस, एंड ए हैप्पी पर्सन डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, एनी लैंड, एनी बैंक बैलेंस, बट विदाउट दीज प्रॉपर्टीज, विदाउट लैंड, विदाउट बैंक बैलेंस, ही हैज एवरीथिंग, बिकॉज ही इज ए सेटिस्फाइड पर्सन।